नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों परसोल एसी 2.5% जेल के बारे में। ये आपको दोस्तों 5% में भी देखने को मिल जाता है। ये है 30 ग्राम की और दोस्तों ये वेलनेस फार्मा की एक एथिकल क्रीम है और 116 रुपये MRP इसकी देखने को मिल जाती है और आपको मेडिकल्स वगैरह में ये अवेलेबल हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसमें आता है बेंजोइल परोक्साइड जेल, तो ये जेल फॉर्म की आती है और क्रीम की पैकिंग कुछ अंदर की इस तरीके से देखने को मिल जाती है। मेडिकल्स में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो एक एंटी एक्ने एंटीबायोटिक जेल है जो आपको ईजिली में मिल जाता है और आपको क्रीम के रूप में भी देखने को मिल जाता है। ये वर्क कैसे करता है? ये दोस्तों नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन मुक्त करती है और प्रोपियन बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरियम होता है एक्नेज को नष्ट करती है, जो इसकी वजह से ही दोस्तों फेस पे एक्ने वगैरह या फिर कील मुहांसे जैसे देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये क्रीम दोस्तों एक्ने वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अदर बेनिफिट्स है जैसे कि आपका गुलाबी मुहांसे हो जाते हैं, नॉर्मल एक्ने हो रहे हैं, त्वचा की कील में कील हो जाते हैं फेस वगैरह पे, पसीने को कम करता है दोस्तों, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, स्किन में स्वेलिंग को कम करता है और जिससे एक्ने वगैरह को जल्दी से ये राहत देता है, एक्ने को सही करने में मदद करता है। एक्ने के स्पॉट हो जाते हैं, जैसे ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, कभी किसी का एक्ने होते हैं तो उनके फेस पे आपने देखा कभी काले काले धब्बे रह जाते हैं, तो इसको रिमूव करने में काफ़ी अच्छी क्रीम है। और दोस्तों एक स्किन डॉक्टर ही इसको काफ़ी अच्छे से रिकमेंड करता है। और दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि स्किन का ड्राइनेस होना, स्किन में रेडनेस होना और रोमों का रंग जो होता है हल्का पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर थोड़ा बहुत को इसके साइड इफेक्ट अगर आपको लंबे समय तक रहते हैं तो क्रीम को बंद करके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। हालांकि कुछ समय तक ये रहते हैं, अगर आपको कंटिन्यू रहे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। क्रीम को लगाने से पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लें और ड्राई होने दें। आपको अप्लाई करना है तो फेस को पहले ड्राई होने दें, फिर इसको उस स्थान पर लगाइए जहां पर आपके एक्ने वगैरह है या फिर प्रॉब्लम है। 15 मिनट से दोस्तों 2 घंटे तक इसको लगाए रखना है और उसके बाद धोकर साफ कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने रात भर या दिन भर लगा के नहीं रखना है, उसके बाद 15 मिनट से दो घंटे तक आपको यूज़ करना है। अपने एक्ने के हिसाब से इसकी डोज वगैरह बताई जा सकती है, क्यों इसलिए इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका यूज़ करना चाहिए आपको दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने चाहिए, यानी अगर आप एक्ने वगैरह हो रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, सावधानियाँ ज़रूरी है, चाहे कहें तो आपका घरेलू इलाज इसका ज़रूरी है। जैसे कि आपको आइज़, माउथ और हेयर में और नोज़ में जैसे इसको इंटरनली जाने से बचाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऑयली फूड हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, जिससे आपको ऑयल वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ हो बॉडी में, वो चीज़ें आपने नहीं खाना है। सर पे अगर तेल लगाते हैं तो कम से कम तेल लगाइए या फिर फेस पे तेल वगैरह का यूज़ नहीं करना है। बच्चों की पोंछ से इसको दूर रखना है, फटी हुई स्किन पे या फिर अगर आपका डैमेज हो रखा है उसमें इसको अप्लाई नहीं करना है। दवाई को दोस्तों लगभग आपको आराम होने में लगभग 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं या फिर 1 महीना भी लग सकते हैं। अगर आपको आराम नहीं होता है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर आप इसको 1 महीने तक भी कंटिन्यू यूज़ करते हैं तब भी आगे अप्लाई करने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, तब जाके इसको आगे यूज़ करिएगा। दोस्तों एक्ने या कील मुहांसे को बार बार हाथ ना लगाइए, आपको नुकसान हो सकता है। इसकी डोज वगैरह दोस्तों डॉक्टर से ही कंसल्ट करनी चाहिए, तब जाके इसका यूज़ करना चाहिए। जनरली डोज वगैरह या फिर तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था कुछ परसोल एसी 2.5 जेल के बारे में कम्प्लीटली जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yeah.